ये वीडियो मैं आपको ये बताने के लिए कर रहा हूं कि आप लोगों की जो मुहिम शुरू हुई है जिसमें आप इन सारे बॉलीवुड के जोकर्स को अनफॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसमें एक बड़ी खबर आ रही है। असल में मुंबई पुलिस एक पूछताछ करने वाली है दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से, जिसमें फेक फॉलोअर्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यानी जो कंपनियां फर्जी तौर पर अकाउंट्स बनाकर सोशल मीडिया पर इन सारे जोकर्स को फॉलो करवाती हैं ताकि इनका ईगो बूस्टअप होता रहे, इनको लगता रहे इनको 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, तो इनका ये जो सबसे बड़ा झूठ है ये पकड़ा गया है। जिस तरह से आप लोगों ने इन्हें अनफॉलो करना शुरू किया है उसके साथ ही इस रैकेट का भी भंडाफोड़ हो गया है। मुंबई पुलिस इस मामले में जांच करेगी, पूछताछ करेगी, और मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया है जिस पर लोगों के जवाब भी आ रहे हैं। एक कुमार सत्यम है, वो लिखते हैं, भाई साहब हम सोच भी नहीं सकते कितने पतित लोग हैं ये सारे, फेक लोग हैं, इनकी दुनिया फेक है, ये खुद फेक हैं, पब्लिसिटी भी फेक है, ये पूरी तरह से फेक हैं। देखिए, जब से मैंने ये ट्वीट किया है तब से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ये जो मुहिम है ना जिसमें आप इन लोगों को अनफॉलो कर रहे हैं, करते रहिए, क्योंकि इनको इनका असली चेहरा दिखाना बताना बहुत ज़रूरी है। इन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम आपकी बनाई हुई बातों में कभी नहीं आएंगे, हमको पता है कि आप लोग कितने नकली लोग हैं। कल जब मोमबत्ती जलाने की बात थी तो सबके सब अपने बिलों में दुबके रहे, कोई निकल कर बाहर नहीं आया, किसी ने इतनी इंसानियत नहीं दिखाई कि वो बाहर आकर बात करे। आप सीबीआई जांच की मांग नहीं कर सकते क्योंकि आप डरते हैं कि शायद कहीं आप ही ना फंस जाएं। एक मोमबत्ती जलाने में क्या जाता था, लेकिन मोमबत्ती ना जलाकर इन्होंने अपने उस अहम का परिचय दिया है, उस बढ़े हुए ईगो का परिचय दिया है, जिससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जनता क्या मांग रही है। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा यहां पर कि अगर इनको इनके ईगो को आप सच में तोड़ना चाहते हैं, इस अहम को तोड़ना चाहते हैं, तो आप उन सारे ब्रांड्स का बॉयकॉट कीजिए जिनको ये एंडोर्स करते हैं, क्योंकि आप लोग इनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, इसलिए बड़े बड़े ब्रांड्स उनको काफी पैसा देते हैं जिससे ये जो एंडोर्स करें और उस ब्रांड को एंडोर्स करें, वो ब्रांड बिकना शुरू हो और आप जैसे लोग जो इनकी बातों में आते रहते हैं उस ब्रांड्स को खरीदें। जब तक आप लोग सोशल मीडिया पर जाकर ये नहीं लिखेंगे कि आप ऐसे ब्रांड्स का बॉयकॉट करना चाहते हैं जो इन जोकर्स के द्वारा एंडोर्स किए जाते हैं, तब तक बात नहीं बनेगी। इनकी जेब पर चोट करनी होगी, इनके ईगो पर चोट करनी होगी, इनको यह एहसास दिलाना होगा कि ये कितने नकली हैं, कितने फेक हैं, कितने कितने झूठी जिंदगी को जीते हैं, कितने झूठे हैं ये लोग। इन सब के चेहरों को बेनकाब करना होगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जब मैंने पिछला वीडियो एंड किया था तो मैंने कहा था कि गलती की सजा देनी होगी, ये गलती की है इन्होंने, इसकी सजा इनको देनी होगी। और इनकी सजा इसी तरह से हो सकती है कि जितने ब्रांड्स को ये एंडोर्स करते हैं आप जाकर लिखिए उन ब्रांड्स के सोशल हैंडल्स पर कि आप इन जोकर्स को हटाइए। इससे दो काम होंगे, पहला कि जो नए लोग हैं उनको मौका मिलेगा, जो नए मॉडल्स हैं, जो स्ट्रगलिंग मॉडल्स हैं उनको मौका मिलेगा, उनको जरूरत है पैसे की, उनको जरूरत है काम की। ये लोग वहां क्यों अपना चेहरा चमकाने आ जाते हैं जब ये जरूरत के वक्त अपने बिलों में दुबके रहते हैं? एक तो इनका ईगो तोड़ना जरूरी है, दूसरा इनको ये पता चलेगा कि इस तरह से वो जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। उन सब ने कल मोमबत्ती ना जलाकर आपके गाल पर तमाचा मारा है और इस तमाचे का जवाब आपको देना है। अगर आप चुप बैठे रहे तो ये तमाचे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक और आते रहेंगे। अभी जब ये कटोरा लेकर भीख मांगने आएंगे आपसे कि हमारी फिल्म देख लो, उस वक्त भी आपको इनके मुंह पे करारा तमाचा मारना होगा। किन किन के मुंह पे करारा तमाचा मारना है उसकी लिस्ट मैं चाहूंगा कि आप में से कोई अगर मुझे बनाकर भेजता है तो मैं उसे अपने फेसबुक पेज पर शेयर करूंगा कि ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने कल, ये वो सारे जोकर्स हैं जिन्होंने कल मोमबत्ती नहीं जलाई। कईयों के नाम मैंने कल लिए थे, अभी फिलहाल मैं उन लोगों के नाम लेने के मूड में नहीं हूं। आप लोग लिस्ट बनाकर मुझे भेज सकते हैं, मैं अपने फेसबुक वॉल पर जरूर शेयर करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि ये वो जोकर्स हैं जिनके जिनके सर पर जनता का जूता पड़ना चाहिए। अगर आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहते हैं तो आप एक ब्रांड की लिस्ट भी बना सकते हैं जो इन जोकर्स के द्वारा एंडोर्स की जाती है। मैं उस लिस्ट को भी अपने फेसबुक वॉल पर शेयर करना चाहूंगा जिससे हम अपील कर सकें कि इन सारे ब्रांड्स को लिखिए, इन सारे ब्रांड्स का सोशल मीडिया पर जाइए और लिखिए कि इन जोकर्स को वहां से हटाइए, नए लोगों को काम दीजिए, उनको काम की जरूरत है और इन जोकर्स की हमको जरूरत नहीं है, इन जोकर्स की शक्ल तक हमें नहीं देखनी। इनका नाम अब गाली बन चुका है, इनका नाम अब मैंने इसलिए लेना बंद कर दिया, उनको जोकर बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से इनके नाम अब गाली बन चुके हैं और गाली बन चुकी चीजों को मैं लेता नहीं, क्योंकि मैं अपने शो पर कहीं कहीं भी गालियां नहीं देता। इसलिए आज से मैं इन लोगों के नाम नहीं लूंगा। जैसे ही मैं जोकर कहूं आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूं, कौन से वाले भाईजान की बात कर रहा हूं या कौन से वाले कपूर खान, धवन खन्ना
जो भी हैं व्हाटएवर, उनकी बात कर रहा हूं। तो आप इतना सहयोग करिए, एक अगर कोई वॉलंटियर कर सकते हैं मुझे लिस्ट बनाकर भेजिए उन ब्रांड्स की, कुछ नाम मेरे पास हैं, कुछ नाम मैं आपसे चाहता हूं, और एक आप लिस्ट बनाइए जिन्होंने कल ये मोमबत्ती नहीं जलाई, उनकी मोमबत्ती हमको जलानी पड़ेगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है। इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का, और मैंने कोशिश की है कि जितने लोगों ने कल मुझे व्हाट्सएप किया था उन सबको मैंने अपनी तरफ से मैसेज भेज दिया है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मत भेजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर कई बार 300, 400, कल मुझे 800 मैसेजेस आए थे तो उनका रिप्लाई करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। खैर एनीवेज, आप लोग फेसबुक पर बने रहिए, यूट्यूब पर बने रहिए, इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोग फॉलो करना चाह रहे थे तो वो भी आईडी मैंने दे दिया है। मैं इंस्टाग्राम पर आयो ज्योत त्रिवेदी के नाम से हूँ, ट्विटर पर भी आयो ज्योत त्रिवेदी के नाम से हूँ, और फेसबुक तो आपको बताई है आयो ज्योत त्रिवेदी है, यूट्यूब पर उज्ज्वल त्रिवेदी है सर। थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट, कल पूरी दुनिया से मैसेजेस आए, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू हुई है जिसमें असली काम आप लोगों को करना है, इन जोकर्स को सबक सिखाना है, और ये जो फेक फॉलोअर्स का रैकेट सामने आया है इसके बारे में जो भी खबर आएगी अगली मैं आपको बताऊंगा। और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के टुकड़ों पर पल रहे थे कैसे उन्होंने कल मोमबत्ती वाले कैंपेन से किनारा कर लिया, कौन है वो और क्या कर रहे थे उस वक्त जब सब लोग मोमबत्तियां जला रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।